हेलो फ्रेंड, रोली गुप्ता के सिंपल रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम नारियल का चटनी है। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने एक ताज़ा नारियल लिया, उसको फोड़ कर उसका पल्स निकाल करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया और एक ग्राइंडर जार लिया पीसने के लिए। उस नारियल को मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको मैंने उसमें डाल दिया है। हरा धनिया, करी पत्ता टेस्ट के हिसाब से, नमक और हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक नींबू लिया है, उसको भी मैंने निचोड़ा है। उसके बाद भी एक आधा नींबू और लिया है, जिससे हाथ से उसको निचोड़ के उसका रस निकाला, जिससे इसका टेस्ट अच्छा है। फिर मैंने 2 चम्मच लगभग पानी लिया है, वो भी मिला दिया है, जिससे ये चटनी अच्छे से पिस जाए। और लेके उसको मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है। पीसने के बाद उसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसको तड़का तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गरम होने के बाद मैंने मकरा राई और लाल मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हींग लिया है और करी पत्ता, और मैंने तड़का नारियल की चटनी लगा दिया है। आप भी ये रेसिपी को बनाइए और कमेंट के करके बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी, और इससे आप किसी भी स्नैक के साथ बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको और बनाइए और मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब